सब्सक्राइब कीजिए रेसिपी विद क्रेजी सीमा को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इससे टेस्टी और इजी रेसिपी का मैसेज सबसे पहले आपके पास आएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेबी पोटैटोज की एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने बेबी पोटैटोज लिए हैं बॉयल किए हुए, इन्हें छील लिया है मैंने, ये देखिए। और इसके साथ में मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 3 बड़े चम्मच, नमक लिया है 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लेंगे हम 1 छोटी चम्मच। साथ में हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी इसका सॉस बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस लिया है, 1.5 बड़े चम्मच सीजवान सॉस लिया। अगर आपके पास सीजवान सॉस नहीं है तो इसके जगह पर आप रेड चिली सॉस का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ में 2 बड़े चम्मच तेल चाहिए होगा हमें, 1 छोटी चम्मच सीजनिंग चाहिए होगी, वेनेगर 1 छोटा चम्मच चाहिए होगा और 2 बड़े चम्मच हमें स्प्रिंग अनियंस चाहिए होंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू लेंगे और इन आलूओं को हम इस फोक की सहायता से छोटे छोटे छेद कर लेंगे इसमें, ताकि हमारा जो सॉस हम बनाएंगे वो आलू में अच्छी तरह से भर सके, बिल्कुल सॉसी से इसका टेस्ट आ सके, इसके अंदर तक सॉस का स्वाद जा सके। तो इस तरह से आलूओं को प्रिक कर लेंगे हम फोक से, इस तरह से। मैंने कुछ आलू पहले से ही होल करके रखे हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमें करना है। और मैंने पहले से ही कुछ आलूओं को पहले से ही प्रिक करके रखा हुआ है। तो हमने सारे आलू तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें हम डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर हम बचा लेंगे, बाद में उसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और इतना हमने बचा लिया, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये चिली का पाउडर, सॉल्ट, इसे मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। इस तरह से हम इसे टॉस करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में हम एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, शैलो फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा तेल डाला मैंने और गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखा है और सारे आलू को इस तरह से हम भून लेंगे, ताकि हमारा कॉर्नफ्लावर जो इसके ऊपर लगा वो अच्छी तरह से पक जाए और इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए, टेस्टी सी, क्रिस्पी सी। तो इसे हम लगभग 5 से 6 मिनट के लिए गैस को मीडियम पर रख के भून लेंगे, ताकि हमारे जो आलू हैं वो जलेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से भून जाएंगे। तो इसी तरह हम लगभग 10-10, 15-15 सेकेंड्स के ऊपर से चलाते हुए पका लेंगे, भून लेंगे। तो इसके ऊपर लेयर आ चुकी है फ्रेंड्स। तो हम आलू को निकाल लेंगे और उसी पैन में फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला, इस पर हम स्प्रिंग अनियंस डालेंगे, आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे और उसके बाद सारे सॉस इसी में हम डाल देंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसमें सॉस डाल देंगे। तो यहाँ मैंने टमेटो सॉस डाल दिया है और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे ये सीजवान सॉस, इसे भी मिक्स कर देंगे। इस स्टेप पर आप गैस को बंद कर दीजिएगा, वरना सॉस हमारा जलने का डर रहता है। तो यहाँ पर अब हमने जो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर बचा था उसे लिया और उसमें पानी डाल दिया, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। और उसके बाद में हम इस कॉर्नफ्लावर को इस हमारे कढ़ाई में डालेंगे, गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे गैस की, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चला देंगे इसे इस तरह से। तो ये देखिए काफ़ी थिक हो चुका है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर पड़ा हुआ है। गैस को बिल्कुल धीमे कर देंगे और इसमें हम सारे आलू डाल देंगे, आलूओं को अच्छी तरह से सॉस में कोट कर देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और इसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें हम, क्योंकि नमक हमारा पहले से ही पड़ा हुआ है, सॉस में भी होता है और आलू में हमने पहले डाला था, तो थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। साथ में हमने डाल दिया विनेगर और थोड़ी सी सीजनिंग, ये चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर पकाएंगे ढक्कन लगाकर। तो 1 मिनट बाद इसे खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्पाइसी चिली पोटैटोज बनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें आप बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं, बड़ों को भी सर्व कर सकते हैं। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो इसमें मिर्ची थोड़ी कम डालिएगा, इसे आप स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे, थोड़ी सी सीजनिंग इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और टूथपिक लगाकर इसे हम सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिना टूथपिक के भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।